वो क्वेश्चन है जेईई मेन 2014 का। क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू जीरो, पी नॉट इक्वल टू जीरो इफ पी क्यू एंड आर आर इन एपी एंड वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू फोर देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। देखो गिवन क्या है, पी क्यू आर एपी में है, पी क्यू आर अगर एपी में होंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कंडीशन लिख लो क्यू इजक्वल टू पी प्लस आर बाई टू होगा ठीक है, क्यू जो होता है अर्थमेटिक मीन होगा पी और आर का ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया ठीक। उसके बाद अब दे रखा है वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इजक्वल टू फोर, तो क्या हो यहाँ से लिख लो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इजक्वल टू फोर, अल्फा प्लस बीटा क्या है सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस क्यू अपॉन पी आएगा और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी, तो दोनों पी के आंसर हो जाएगा, इसका मतलब माइनस क्यू अपॉन आर इक्वल टू फोर, तो क्यू इक्वल टू माइनस फोर आर ठीक। यहाँ पे क्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो माइनस एट आर इज इक्वल टू पी प्लस आर, दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू माइनस नाइन आर, ये हमारे पास मिल गया पी और क्यू आर के टर्म्स में हमने निकाल लिया ठीक। अब क्या पूछ रहा है, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स जो कि क्या होगा माइनस क्यू अपॉन पी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस फोर अल्फा अपॉन बीटा मतलब फोर आर अपॉन पी, फोर आर अपॉन पी विच इज इक्वल टू क्यू क्यू अपॉन पी, क्यू अपॉन पी करेंगे तो कितना हो जाएगा सोलह बटा इक्यासी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर अपॉन पी करना है माइनस फोर आर आर अपॉन पी, तो माइनस वन अपॉन नाइन ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सोलह अपॉन इक्यासी प्लस चार बाई नाइन, फाइनली ये क्या हो गया इक्यासी कॉमन कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं सोलह प्लस छत्तीस इज इक्वल टू फिफ्टी टू अपॉन एटी वन। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये निकला है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा का मोड जो हो जाएगा सिर्फ मोड मतलब पॉजिटिव रूट फिफ्टी टू अपॉन एटी वन विच इज इक्वल टू तेरह चौका बावन टू अंडर रूट थर्टीन डिवाइडेड बाई नाइन, यही इसका आंसर हुआ, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर डी। तो इस कदर इसको सॉल्व करना था, बस हमने क्यू को आर के टर्म्स में निकाला, पी को आर के टर्म्स में निकाला और फिर अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा था, इसको मैंने इस टर्म में लिखा, फिर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, फाइनली ये हमें सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया, यहाँ हमने एपी का यूज किया ठीक है।